अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 9 किंगडम प्लांटी, एक हमारा लेक्चर हो चुका है। आज मेरा सेकंड लेक्चर है प्लांट्स के ऊपर। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी कि पौधे दो डिवीजन में प्लांट्स को डिवाइड किया जाता है, ब्रायोफाइट्स ट्रैकियोफाइट्स। तब मैंने ये भी बताया था कि ब्रायोफाइट सबसे सिंपल पौधे हैं और ट्रैकियोफाइट थोड़े कॉम्प्लेक्स पौधे हैं। आज हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना है। तो डिवीजन ब्रायोफाइटा सिंपलेस्ट प्लांट है, यानी सबसे सादा पौधे हैं। इवन इनमें जाइलम और फ्लोइम भी नहीं होता, इवन इनके लीव्स वगैरह नहीं होते, इनमें रूट्स नहीं होती, इनमें शूट नहीं होता। बड़े सिंपल पौधे हैं, जैसे ना आपके पास घर पे कालीन हो, ग्रीन सा कालीन ज़मीन पे बिछाया हुआ हो, ये तकरीबन वैसे होते हैं। या जो खाले वगैरह की दीवारों पर एलजी उगी हुई है, जो पानी की टंकी के अंदर काई आ जाती है ग्रीन सी, ये तकरीबन वैसी ही इनकी शक्लें होती है। तो ये इवॉल्व किससे हुए हैं? इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एल्जी। इवॉल्व मीन पैदा हुए, एवोल्यूशन हुई। एवोल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर के अंदर कि एक ऐसा प्रोसेस है जो ये कहता है कि जानदारों में आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आती है और उस चेंजेस से नए जानदार बनते हैं। तो एवोल्यूशन के मुताबिक प्रोक्रियोट से पैदा हुआ है प्रोटिस्ट। अब प्रोटिस्टा में ये शामिल है ग्रीन एल्जी। ग्रीन एल्जी से पैदा हुए हैं ब्रायोफाइट। जो चीज़ सिंपल होती है वो पहले पैदा होती है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें बाद में। यानी ब्रायोफाइट से बाद में बनेंगे ट्रैकियोफाइट्स इनकी एवोल्यूशन से। तो ब्रायोफाइट्स क्योंकि सबसे सिंपल हैं और सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी ये ग्रीन एल्जी से रखते हैं, इसलिए ये सारे साइंसदान इस बात पर बिलीव करते हैं कि ये ग्रीन एल्जी से इवॉल्व हुए हैं। इनके कुछ करैक्टर ये मैंने लिखे हैं, नो जाइलम एंड फ्लोइम। इनमें जाइलम फ्लोइम नहीं, यानी कि कंडक्टिव टिश्यू नहीं है। अब जब इनमें कंडक्टिव टिश्यू यानी ट्रांसपोर्ट के टिश्यू नहीं है, फिर इनकी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? वो जाते हैं बेटा डिफ्यूजन से। कैसे जाते हैं? डिफ्यूजन के ज़रिए से, क्योंकि ये जानदार है ही बड़े सिंपल। इनकी छोटी सी बॉडी होती है, लाइक ये पौधे बिल्कुल नन्हे से पौधे होते हैं। ये ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर ये इतने इतने ऐसे पौधे हैं ये। अब इन पौधों के अंदर इतनी बॉडी कॉम्प्लेक्स है नहीं, तो इजीली माहौल में से गैसेस इनके अंदर आ जाएगी, पानी इजीली डिफ्यूजन के जरिए इनमें चला जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, या इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम की ज़रूरत भी नहीं है। आम तौर पे ये कहाँ पाए जाते हैं? डैम्प प्लेसेस पे एंड शेडी प्लेसेस पे। डैम्प मतलब गीली और शेडी मतलब सायादार, सायादार और गीली जगह पे रहते हैं। यानी ये ज़मीन पे इतने सक्सेसफुल नहीं है। तमाम लाइफ जो है वो वाटर से ज़मीन पे वजूद में आई है, तो ये पौधे अभी भी इनके अंदर वाटर वाले करैक्टर है। ये ज़मीन पे इतने कामयाब नहीं है, इसलिए ये सिर्फ गीली जगह पे मिलेंगे। कहीं पे पहाड़ है, पहाड़ में से एक झरना गिर रहा है, आबशार गिर रही है, वहाँ पे मिलेंगे। कोई खाला है, कोई नदी है, उसके किनारे पर मिलेंगे। गीली जगहों पर और शेडी जगहों पर पाए जाएंगे सिर्फ, ठीक है। यानी ये एक अनसक्सेसफुल ग्रुप है, ज़मीन के ऊपर इतने कामयाब नहीं। अभी भी इनमें एलजी वाले करैक्टर बाकी है, जैसे एलजी पानी के करीब करीब या पानी के अंदर रहते हैं। ट्रांसपोर्ट ओनली बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, बता चुका हूँ कि इनके अंदर क्योंकि जाइलम फ्लोइम नहीं, तो सिर्फ डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस होती है। इनके ऊपर लीव्स के ऊपर आमतौर पर एक क्यूटिकल चढ़ी है, यानी ये जानदार क्योंकि इनको पानी की बहुत ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा पानी इनको चाहिए, तो इनके ऊपर पानी को लॉस को रोकने के लिए एक मोम की बनी हुई क्यूटिकल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इन पौधों को हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट वर्ल्ड। क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। अब बेटा जी एम्फीबियन क्या है? एम्फीबियन ऐसे जानदार को कहते हैं जो वाटर पे भी रह सके और जो लैंड में भी रह सके, दोनों जगह पे, लैंड और वाटर। जैसे फ्रॉग एनिमल, फ्रॉग जो है ये एम्फीबियन है, ये पानी के अंदर भी रह लेता है, पानी से बाहर भी। अब ये पौधे भी एम्फीबियन हैं, यानी इनको पानी की ज़रूरत है, पानी के करीब ही रहते हैं ये। क्यों इनको एम्फीबियन प्लांट वर्ल्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दे नीड वाटर, इनको पानी चाहिए फॉर रिप्रोडक्शन। किस चीज़ के लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। अच्छा जी, आप मुझसे यहाँ पे ये सवाल कर सकते हैं कि पानी तो हर पौधे को चाहिए, आम जो हम घर पे पौधा लगाते हैं उसको भी तो पानी चाहिए, लेकिन उस घर वाले पौधे को पानी ग्रो करने के लिए चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए नहीं चाहिए। इन पौधों का डिफरेंस ये है कि दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, ये अपनी नस्ल ही तब बढ़ा पाएंगे जब इनको पानी मिलेगा, अदरवाइज़ ये पौधे पानी के बगैर कभी भी अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकते।
आम जो पौधा हम घर पे लगाते हैं उसको रिप्रोडक्शन के लिए पानी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, ग्रो करने के लिए चाहिए। ये मैंने दो स्टोन से बनाए हैं, इन स्टोन्स के ऊपर आप देख रहे हो ये ब्रायोफाइट्स हैं, इस तरह से कालीन की तरह ज़मीन के ऊपर ये फैल जाते हैं। अच्छा जी, ये नॉन वैस्कुलर प्लांट है और इनमें फ्लावर कोई नहीं बनते, और फ्लावर नहीं बनते मतलब नो सीड, इन पौधों में फिर सीड भी नहीं बनेंगे। अब इनका लाइफ साइकिल देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स अपनी नस्ल कैसे बढ़ाते हैं, ये मैंने लाइफ साइकिल ड्रॉ भी किया है। इस अमल को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पौधों के अंदर जो लाइफ साइकिल होता है तमाम पौधों में, उस लाइफ साइकिल को कहते होते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये पूरे चैप्टर के अंदर आप ये चीज़ पढ़ते रहेंगे बार बार, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सिर्फ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में कुछ चेंजेस होगी, बाकी प्रोसेस सेम होगा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में स्पोरोफाइट ने गैमेटोफाइट को पैदा करना है, स्पोरोफाइट ने पैदा करना है गैमेटोफाइट को, और गैमेटोफाइट ने फिर से स्पोरोफाइट को। तो एक जनरेशन ये है स्पोरोफाइट, दूसरी जनरेशन है गैमेटोफाइट, दोनों एक दूसरे के साथ अल्टरनेट हो रही है, इसलिए इस प्रोसेस को कहेंगे अल्टरनेशन यानी तब्दील होना ऑफ जनरेशन, यानी दो चीज़ों का, दो नस्लों का। अब ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में स्पोरोफाइट क्या है, गैमेटोफाइट क्या है। पहले तो लाइफ साइकिल क्या होता है, लाइफ साइकिल से मुराद होता है एक जानदार, जैसे मैं एक जानदार हूँ, पौधा एक जानदार है, एक जानदार का जब तक अपने जैसा जानदार पैदा ना कर दे वो सारा टाइम लाइफ साइकिल है। यानी एक जानदार ने नया जानदार पैदा किया, उस नए जानदार ने अगेन नया जानदार पैदा करना है, एक लाइफ साइकिल पूरा हो गया। ठीक है, ये एक पौधा है, यानी इस पौधे ने सीड बनाया, सीड से नया पौधा उग गया, जब एक नया पौधा उग गया तो एक लाइफ साइकिल पूरा हो गया। तो इनके लाइफ साइकिल में पौधों में दो चेंजेस आती है, एक स्पोरोफाइट एक गैमेटोफाइट, दोनों एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती है, इसलिए इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और अगर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की शेप्स आपस में डिफरेंट हो, स्पोरोफाइट और तरह की हो, गैमेटोफाइट की और तरह की हो, तो इसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट या हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ऐसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को कहते होते हैं हेट्रोमॉर्फिक, बिकॉज बेटा हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मॉर्फ का मतलब होता है शेप, कि अगर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की शक्लें डिफरेंट हो। अब जिस स्पोरोफाइट पैदा करती होती है स्पोर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पोरोफाइट क्या पैदा करती है, स्पोर। ठीक है, और स्पोरोफाइट आमतौर पे 2N यानी डिप्लॉइड जनरेशन होती है, मीओसिस के ज़रिए से ये पैदा करती है स्पोर, और फिर स्पोर जो है वो जर्मिनेट करके बना देते हैं, स्पोर यानी 1N है, ये 1N गैमेटोफाइट बना देते हैं। तो गैमेटोफाइट पौधों में हमेशा 1N होती है। अब नाम से जाहिर है गैमेटोफाइट, गैमेटो मीन गैमीट्स, फाइट मीन पौधा, यहाँ पे भी स्पोरो मीन स्पोर, स्पोरोफाइट ने स्पोर पैदा करनी होती है मियोसिस से, और गैमेटोफाइट अब क्या पैदा करेगी, गैमीट्स पैदा करेगी। तो यहाँ पे मैं गैमीट्स लिख देता हूँ, एक गैमीट होता है एग, दूसरा गैमीट होता है जी स्पर्म, और ये गैमेटोफाइट हैप्लॉइड यानी 1N जनरेशन है। तो इसने 1N ही पैदा करने हैं एग, और 1N यानी हैप्लॉइड ही स्पर्म। अब क्या होगा, गैमीट्स मिल जाते हैं, गैमेटोफाइट ने गैमीट बनाए, ये गैमीट फ्यूज़ हो गए, जब गैमीट फ्यूज़ हुए तो क्या बना, जाइगोट, यानी 2N जाइगोट बन गया डिप्लॉइड। अब ये जाइगोट ग्रो करता है, और ग्रो करके पहले इससे एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो फिर कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोफाइट। तो ये देखिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इन पौधों में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, और वो हेट्रोमॉर्फिक होती है। अब मैंने लिखा है गैमेटोफाइट क्या है, प्रोड्यूस गैमीट्स, और आमतौर पर ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इन पौधों की गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होती है, इनकी गैमेटोफाइट यानी गैमीट पैदा करने वाला जो पौधा है ना वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है, और वो इंडिपेंडेंट होता है या प्री लिविंग होता है। मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ कि गैमेटोफाइट कौन सा है, मैं किसको कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लाइफ साइकिल आपको दिखाऊंगा, सारी समझ आ जाएगी। अच्छा, ये जो पौधे ब्रायोफाइट्स है इनके गैमेटोफाइट थैलाइड भी हो सकता है, थैलाइड बोले तो, थैलस किसको कहते हैं, थैलस एक ऐसी बॉडी को कहते हैं, एक ऐसे प्लांट को कहते हैं जिसकी ना रूट हो, ना लीव्स हो, ना शूट हो, इन तीनों चीज़ों के बगैर अगर कोई पौधा हो उसको कहते हैं थैलस, उसकी बॉडी को थैली यानी थैलस कहते हैं। तो इनकी जो गैमेटोफाइट जनरेशन है वो थैलाइड भी हो सकती है, थैलाइड किस में होती है, लिवरवर्ट्स में।
अगर आपको मेरा पिछला लेक्चर याद है तो आपको ये याद होगा कि ब्रायोफाइट्स के तीन ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से, एक लिवरवर्ट्स, एक मॉसिस, एक हॉर्नवर्ट्स। इनके जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो होते हैं, लिवरवर्ट्स का साइंटिफिक नेम होता है हेपेटिकोऑप्सिडा, फिर एंथोसिरोऑप्सिडा और ब्रायोऑप्सिडा। अब जो लिवरवर्ट्स हैं इनके अंदर बॉडी थैलस होती है, यानी नो रूट शूट एंड लीव्स वगैरह। हाँ, कुछ मॉसिस जो हैं, कुछ मॉसिस में जो गैमेटोफाइट जनरेशन है उसमें राइजोइड होते हैं और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं। राइजोइड से मुराद है जड़ के जैसे स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे यानी बना देता हूँ कि कुछ मॉसिस ऐसे हैं कि उनमें ऐसे प्लांट की बॉडी होती है, उसकी रूट्स भी होती है गैमेटोफाइट के नीचे, लेकिन वो ट्रू रूट नहीं है बल्कि रूट से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है जिसको राइजोइड कहते हैं, ठीक है। और ऊपर उसका ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद है, ठीक है। राइजोइड मौजूद है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी है लेकिन लीफ नहीं है। ऐसी बॉडी को आप कहते होते हैं थैलस, जिसमें रूट्स ना हो, लीव्स ना हो, बेशक रूट से मिलता जुलता स्ट्रक्चर हो। अच्छा जी, स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस स्पोर और ये डिपेंडेंट होती है। ब्रायोफाइट्स में हमेशा स्पोरोफाइट जनरेशन गैमेटोफाइट पे डिपेंड करती है, उसके ऊपर गुजारा करती है। अब जी मैं आपको एक पौधा यहाँ पे दिखाता हूँ, ये लाइफ साइकिल जी शुरू कर रहे हैं हम यहाँ से। ये एक पौधा है, इस पौधे के नीचे वाला ये जो पौधा आपको नज़र आ रहा है, दिस इज गैमेटोफाइट, ये पौधा गैमेटोफाइट है। और ये इसके ऊपर ये जो इतना चीज़ है रेड कलर की, ये है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट यानी स्पोर पैदा करेगा। अब स्पोरोफाइट जनरेशन आम तौर पे ना जो मोसीज है उनकी स्पोरोफाइट जनरेशन तीन हिस्सों में डिवाइड होती है, फूट सीटा एंड कैप्सूल में। अब फूट सीटा कैप्सूल यहाँ पे क्या है, याद रखें ये जो इतना नीचे हिस्सा है ये गैमेटोफाइट है, ये गैमेट्स पैदा करेगी। ये जो ऊपर हिस्सा है ये स्पोरोफाइट है, यानी ये स्पोर पैदा करेगा। अब जो स्पोरोफाइट है उसके तीन पार्ट्स हो गए। स्पोरोफाइट को ज़रा गौर से देखें, एक यूँ उसकी डंडी सी है नीचे और एक उसमें ऊपर जाके थैली सी मैंने यूँ बनाई है ऐसे करके। अब जो नीचे वाली डंडी है जहाँ से वो जुड़ी हुई है गैमेटोफाइट से, यहाँ से गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट अटैच है, इस पॉइंट को कहते होते हैं फुट। फिर ये जो डंडी है इसको कहते होते हैं सीटा, ये जो ऊपर कैप है इसको कहते हैं कैप्सूल। यानी कि स्पोरोफाइट जनरेशन तीन हिस्सों में डिवाइड हो सकती है, फुट में, सीटा में और कैप्सूल में इन ब्रायोफाइट्स के अंदर। अब ये जो कैप्सूल है, ज़ाहरी बात है स्पोरोफाइट ने क्या पैदा करने हैं, स्पोर। कैप्सूल के अंदर मियोसिस होती है और मियोसिस से छोटे छोटे सेल्स पैदा होते हैं, उनको कहते हैं स्पोर। फिलहाल आप यूँ समझ लें कि स्पोर सीड है, ठीक है। तो अब ये कैप्सूल के अंदर यहाँ पे स्पोर पैदा होने शुरू हुए। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको स्पोरोफाइट जनरेशन दिखाई हुई है और उसका कैप्सूल के अंदर ये स्पोर है, ठीक है। ये स्पोर फट गए और फट कर बाहर आ रहे हैं, यानी कि जब स्पोरोफाइट जनरेशन में स्पोर कंप्लीट हो जाते हैं, स्पोरंजिया या ये कैप्सूल फट जाता है और स्पोर बाहर आ जाते हैं। अब स्पोर बाहर आके ये गिरे, ये क्या आप देख रहे हो, ये देख रहे हो आप स्पोर। जब ये स्पोर गिरे ज़मीन में, मिट्टी में गिरे, ये उग जाते हैं, उग के ये पौधा बना देते हैं नया पौधा। अब ये नया पौधा आप देख रहे हो, ठीक है। स्पोर जिस जगह पे गिरा उस जगह से नया गैमेटोफाइट उगेगा, क्योंकि स्पोर ने क्या करना होता है, स्पोर ने गैमेटोफाइट बनाना होता है। अब जी ये एक गैमेटोफाइट पैदा, बल्कि दो गैमेटोफाइट मैंने डिफरेंट तरह के दिखाए हुए हैं, दो पैदा हो रहे हैं। तो अब स्पोर ने ये जो गैमेटोफाइट बनाए, ये गैमेटोफाइट बड़े हो गए, ये पौधे देखे गैमेटोफाइट काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए, गैमेटोफाइट बड़े होने शुरू हुए। अब क्या होगा, अब जो गैमेटोफाइट है उसने बनाने हैं गैमेट्स, यानी एग एंड स्पर्म। और गैमीट बनाने के लिए उसमें दो किस्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं, एक एंथ्रीडिया, दूसरे आर्चीगोनिया। एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन है, ये मेल ऑर्गन है, और आर्चीगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब जाहरी बात है एंथ्रीडिया क्योंकि मेल सेक्स ऑर्गन है तो प्रोड्यूस एंथीरोजॉइड, एंथीरोजॉइड या इसको कह लीजिए स्पर्म। तो एंथ्रीडिया में क्या पैदा होगा, स्पर्म। दूसरी तरफ जो आर्चीगोनिया है क्योंकि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो ये पैदा करेगा एग। अब जी गैमेटोफाइट ने एग और स्पर्म बनाने हैं, लेकिन उस एग और स्पर्म बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन है, जैसे ह्यूमंस में है,
लाइक ह्यूमंस में एग कहाँ पैदा होता है, ओवरी में, स्पर्म कहाँ पैदा होते हैं, टेस्टिस में। तो इसको यूं ही समझ लीजिए कि ये चीज़ जो है एंथ्रीडिया, ये उसके टेस्टिस है पौधे के, ये ओवरीज हो गई आर्चिगोनिया। तो अब मैंने यहाँ पे आपको लाइफ साइकिल मैंने ये दो चीज़ें दिखाई हुई है, एक ये ब्लू कलर की चीज़, एक ये रेड कलर की चीज़, एक पौधे पे ये बन रही है, एक पौधे पे ये। ये जो ब्लू कलर की चीज़ देख रहे हो आप, ये है बेटा एंथ्रीडिया, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन। और ये रेड कलर की जो है ये है आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया इनके अंदर बन गए गैमेट्स। आर्चिगोनिया के अंदर ये जो चीज़ बनी है इसका नेम है एग। आर्चिगोनिया में क्या बन गया, एग। और एंथ्रीडिया में क्या बन रहे हैं, ये चीज़ एंथीरोजॉइड या फिर इनको चलो स्पर्म ही कह लेते हैं, अंदर बन रहे हैं यहाँ पे स्पर्म। एक बात और, ब्रायोफाइट्स के अंदर तीन ग्रुप्स हैं। तीन ग्रुप्स के अंदर जो पहला ग्रुप है लिवरवर्ट्स, लिवरवर्ट्स में एक ही पौधा होता है, उसी पौधे पे एंथ्रीडिया बनते हैं, उसी पे आर्चिगोनिया, यानी सेम प्लांट है, उसके एक साइड पे एंथ्रीडिया बन गए, एक साइड पे आर्चिगोनिया, सिंपल। लेकिन जो मॉसेज होते हैं उनमें आमतौर पे पौधे डिफरेंट होते हैं, यानी कुछ पौधे जो स्पोर से पैदा हुए हैं, कुछ पौधे उनमें एंथ्रीडिया बन जाते हैं, कुछ में आर्चिगोनिया। तो दो किस्म के पौधे, यानी कह लो कि मेल पौधे अलग होते हैं, फीमेल पौधे अलग होते हैं। अब बेटा जी क्या होगा कि यहाँ पे एंथ्रीडिया के अंदर क्या बनेंगे, स्पर्म। इस एंथ्रीडिया के बाहर कुछ स्टीराइल सेल होते हैं, बुक पे लिखा हुआ है स्टीराइल सेल। स्टीराइल नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स को कहते हैं जो उस अंदर वाले स्पर्म को प्रोटेक्ट कर रही हैं। जब स्पर्म बन जाते हैं वो स्पर्म क्या होते हैं, उनको ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, यानी एंथ्रीडिया से आर्चिगोनिया के अंदर स्पर्म को आना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से स्पर्म ने अब आना है यहाँ पे। तो ये मैंने दिखाया हुआ है, ये देखिए मैंने ये जो ग्रीन कलर के ऊपर चीज़ बनाई हुई है, ये समझ ले एंथीरोजॉइड है, एंथीरोजॉइड ये अंदर मौजूद है एग। अब ये एंथीरोजॉइड एग तक जाएगा, कैसे जाएगा, इस चीज़ के लिए पानी चाहिए, यहाँ पे पानी चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए। वाटर अवेलेबल होगा तो एंथीरोजॉइड पानी में तैरेगा। अच्छा, अगर सेम पौधा हो, यानी एक ही पौधा है, उसके एक साइड पे एंथ्रीडिया है, एक साइड पे आर्चिगोनिया, तो एंथ्रीडिया से एंथीरोजॉइड यानी स्पर्म को आर्चिगोनिया के एग तक जाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, पानी। पानी के अंदर वो तैरेगा, स्विम करेगा, फिर वो पहुँचेगा आर्चिगोनिया में और फर्टिलाइजेशन होगी। आम जो बड़े पौधे सीड प्लांट हैं इनके अंदर पानी की ज़रूरत नहीं होती, इनके अंदर पोलन ट्यूब बन जाती है, यानी पोलिनेशन होती है, इंसेक्ट वगैरह की टांगों से चिमट के जाता है पोलन ग्रेन और फिर पोलन ट्यूब बनाता है और एग तक पहुंच जाता है। ये ब्रायोफाइट्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इनको पानी चाहिए, पानी मिलेगा तो ये एग, ये जो स्पर्म है ये तैर के एग तक पहुंचेगा। अच्छा, ये तैरेगा कैसे, यहाँ पे आपको ये भी मैं बताता हूँ, क्योंकि एग मौजूद रहता है आर्चिगोनिया के अंदर, एग ने अपनी जगह पे रहना है। एग कुछ केमिकल रिलीज करता है, ठीक है, उन केमिकल्स को सेंस कर सकता है एंथीरोजॉइड, यानी जो स्पर्म है ना ये केमिकल को फील कर सकता है। एग केमिकल रिलीज करना शुरू कर देता है जब आर्चिगोनिया में एग बन जाता है। अब स्पर्म उस केमिकल की वजह से पानी में खुद ब खुद स्विम करके एग तक पहुंच जाता है और फिर स्पर्म एग तक आके उसको क्या कर देता है, फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो यहाँ पे बन जाता है 2N जाइगोट। अब ये क्या बन गया, जाइगोट 2N, और जाइगोट फिर ये नीचे मैंने अगेन यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये नीचे वाला जो ऑर्गन है ये गेमिटोफाइट का है और गेमिटोफाइट के ऊपर यहाँ पे जाइगोट बना, ठीक है, जहाँ पे जाइगोट बना फिर उस जाइगोट से स्पोरोफाइट बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो और फिर एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, और ये आप देख रहे हो कि स्पोरोफाइट बड़ा हो गया, ये लाइफ साइकिल यहाँ पे आके पूरा हो गया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि स्पोरोफाइट जनरेशन में कैप्सूल होता है, कैप्सूल में स्पोर बनते हैं, स्पोर ज़मीन में गिरते हैं, उससे गेमिटोफाइट बनता है। गेमिटोफाइट में दो किस्म के सेक्स ऑर्गन बनते हैं, एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया में एग बनते हैं, एंथ्रीडिया में एंथीरोजॉइड बनते हैं, एंथीरोजॉइड फिर तैर कर एग के पास आते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, जाइगोट बनता है और जहाँ पर जाइगोट बना ठीक उसी जगह से बन जाता है स्पोरोफाइट जनरेशन और अगेन स्पोरोफाइट स्पोर पैदा करेगी। अब ये स्केच देखिए, ये फ्लो शीट, गैमेटोफाइट ने क्या बनाए,
गैमेटोफाइट ने दो किस्म के सेक्स ऑर्गन बनाए, एक एंथ्रीडिया एक आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया में स्पर्म बने, आर्चिगोनिया में एग। दोनों मिले जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट वो वाला, और स्पोरोफाइट ने स्पोर बनाए, और यूं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पूरा हो गया। अब इस सारे केस में एक बात नोट करें कि ये जो स्पोरोफाइट है ये किसके ऊपर है, गैमेटोफाइट के ऊपर। अगर नीचे से गैमेटोफाइट को आप काट दें यहाँ से, तो स्पोरोफाइट की ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएगी अगर गैमेटोफाइट यहाँ से काट दें, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये जो पौधे हैं ब्रायोफाइट्स, इनके अंदर कौन सी जनरेशन इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, ये अकेली रह सकती है। और डिपेंडेंट जनरेशन कौन सी है जो अकेली नहीं रह सकती, वो है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर उगती है। और लास्ट पे इन पौधों की डेफिनेशन, इन पौधों को अब हम कुछ वर्ड्स में डिफाइन करेंगे। ब्रायोफाइट्स को हम कहते हैं वैस्कुलर सिस्टम इनमें एब्सेंट है, यानी जाइलम फ्लोएम नहीं है। इन पौधों के अंदर गैमेटोफाइट डोमिनेट होती है, बड़ी होती है साइज के अंदर भी, और अकेली रह सकती है। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है, वो उस पे इन्हसार करती है गैमेटोफाइट पे। और ये पौधे होमोस्पोरस है, यानी ये सेम काइंड के स्पोर पैदा करते हैं। हायर प्लांट में स्पोर भी दो तरह के हो जाते हैं, कुछ होते हैं माइक्रोस्पोर, कुछ मेगास्पोर। इनमें सारे स्पोर एक जैसे हैं, सिर्फ स्पोर्स क्योंकि मियोसिस से बनते हैं, तो मियोसिस की वजह से स्पोर में वेरिएशन आ जाती है। यानी कुछ स्पोर के अंदर कुछ क्रोमोसोम होते हैं, कुछ में दूसरे होते हैं, तो इसलिए इनमें डिफरेंट सेक्स ऑर्गन भी बनते हैं। तो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल और ब्रायोफाइट्स के इंट्रोडक्शन का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।